Hi guys, welcome to your favorite YouTube channel Facial Care on Self. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी टिप्स लाई हूँ व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के लिए। इसको इस्तेमाल करने से आपको इंस्टेंटली ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करेगा और आपको मिलेगा एक स्मूथ स्किन। ये मेरा 100% गारंटी है फ्रेंड्स। इस टिप से आपको है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जाना ही है, 100% ये रिमूव करेगा आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को। इसके लिए ज़्यादा बहुत मैं इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से ही काफ़ी है, इसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला इंग्रेडिएंट्स है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल से मैं एक मसाज दिखाऊंगी, उसके बाद मैं पैक लगाऊंगी। अभी पैक के लिए क्या क्या लेना है दिखा देती हूँ। इसके लिए पहले तो आपको लेना है राइस पाउडर को। राइस पाउडर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है रिमूव करने के लिए ब्लैक हेड्स को, और इसके साथ मैं मैदा ऐड करूंगी। और लेना है आपको मिल्क पाउडर, मिल्क। सिर्फ यही चारों से ही आपको 100% बेनिफिट मिल जाएगा। पहले मैं पैक को बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं मसाज कैसे करते हैं सभी दिखाऊंगी। पहले आधा चम्मच आप मैदा लीजिए और उसमें आधा चम्मच राइस पाउडर यानी राइस फ्लावर या चावल का आटा ऐड कीजिए। उसके साथ आधा चम्मच पाउडर मिल्क ऐड कीजिए। इन तीनों को थोड़ा पानी से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके एक थिक पेस्ट बनाइए। थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, 2 चम्मच पानी से ये थिक पेस्ट बन जाएगा। पर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी मैं इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाऊंगी। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब करना एकदम ही फ्री है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा मिला और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। ये पैक है, पहले आपको पैक लगाने से पहले 2 स्टेप करना है, उसके बाद ही आपको पैक अप्लाई करना है। चलिए अभी देख लेते हैं। पहले तो फ्रेंड्स आपको आमंड ऑयल से मसाज लेना है। आमंड ऑयल फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रहेगा तो उसको भी ये सॉफ्ट करेगा। इसके लिए आपको 10 मिनट मालिश लेना है। जिनका भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उन लोगों को थोड़ा सा आमंड ऑयल को गर्म कर लेना है। जब गुनगुना रहेगा तभी उस ऑयल से इसको मालिश करना है। मेरा थोड़ा बहुत है तो मैं इसको गरम नहीं करके ही दिखा रही हूँ, पर आपका ज़्यादा है या ज़्यादा हार्ड है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स तो उसमें थोड़ा गुनगुना ऑयल से मालिश कीजिए। देखिए मैं जैसे मालिश कर रही हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर तरफ घिस के ऐसे आपको बार बार मालिश करना है 10 मिनट तक। 10 मिनट मालिश करने से आपका जो भी ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स है वो नरम हो जाएगा और इसको रिमूव करना इजी रहो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको तावल को गर्म पानी में भिगो के इसको जहाँ पे भी आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है वहाँ पे ऐसे 5 मिनट रख देना है। ज़्यादा गर्म नहीं देना है, थोड़ा बहुत गर्म रहते ही इसको देना है। ज़्यादा गर्म देने से स्किन जल सकता है, तो आपको स्किन जितना तक सह पाए उतना तक ही गर्म लेके इसको लगा के रख देना है। ऐसे लगा के रखने से फ्रेंड्स गरम भाप लेने से आपका नाक का या जहाँ पे भी आपका व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वहाँ का पोर्स ओपन हो जाएगा और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करना इजी पड़ेगा। तो इसको मैं अभी ऐसे 5 मिनट रख दूँगी। ये तावल को 5 मिनट रखने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद मैं पैक को अप्लाई करूँगी। ये मेरा 5 मिनट बीत गया है, अभी मैं इसको रिमूव कर ली हूँ। अभी मुझे पैक को अप्लाई करना है। देखिए मेरा नाक के चारों तरफ का जो पोर्स है वो पूरा ओपन है अभी, तो अभी मैं पैक को स्क्रबर की तरह यूज़ करूँगी। ये एक स्क्रबिंग करने से फ्रेंड्स इसका जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है मेरे नाक के चारों तरफ वो रिमूव हो जाएगा ईजिली, क्योंकि पोर्स अभी पूरा ओपन है, खुल गया है, तो ईजिली ये रिमूव हो जाएगा। आपको इस स्क्रबर को लगाने के बाद 5 मिनट रब करना है अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ताकि ये रिमूव हो जाए।
ये टिप्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, ये 100% काम में आएगा आपको। इसको ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इनका भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है वो इसको अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। ये तुरंत ही इंस्टेंटली काम करता है, इंस्टेंटली मतलब इंस्टेंटली करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा क्या रिमूव हो गया है। मेरा 5 मिनट बीत गया है, अभी मैं इसको पोंछ लूँगी। आपको नॉर्मल वाटर से धो लेना है। इसके बाद भी एक स्टेप बाकी है, इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अभी आपका पोर्स ओपन है, तो इसको क्लोज करने के लिए आपको कोल्ड वाटर से फिर से एक टॉवल को भिगो लेना है। भिगाने के बाद कोल्ड वाटर से भिगाने के बाद ये ठंडा टॉवल को आपको जहाँ पे भी आप ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव किए हैं वहाँ पे ऐसे रख देना है। फिर से 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। इसको रखने से फ्रेंड्स आपका जो भी पोर्स ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और आपको फिर से व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आएगा नहीं। तो इसको ध्यान पे रखिए। ज़्यादातर फ्रेंड्स ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होता है इसी वजह से, पोर्स ओपन हो जाता है और उसमें धूल मिट्टी बैठ के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स में बदल जाता है। तो आपको इसको फिर से क्लोज करना है। इसके लिए आपको ठंडा पानी में टॉवल को भिगो के 5 मिनट उस जगह पे लगा के रखना है। 5 मिनट बाद इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद देखिएगा आपका स्किन पूरा स्मूथ एंड सॉफ्ट बन गया है, एक भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं है। देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स एक भी नहीं है, पूरा रिमूव हो गया है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए और इसका फीडबैक दीजिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखिए। मैं एकदम 100% गारंटी लेती हूँ इससे आपको रिमूव होगा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।